ये सरकार पेपर लीक सरकार, 70 पेपर लीक किए इन्होंने 7 सालों में, क्या गलती है इन बच्चों? इस देश को तमाशा और सर्कस बनाकर रख दिया है और आज मखौल बनाकर रख दिया इन लोगों ने। एक पेपर नहीं ठीक से करा पा रहे हैं, वह रुकवा रहे थे पापा, पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। वहां से पीछा छूटा, रेलवे की बात कर लीजिए, रेलवे को तबाह करने में नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे लाल आंखें दिखानी थी चीन को, लाल लाल टमाटर शतक लगवा दिया, 100 के पार करा दिया लाल टमाटर। अब हो सकता है वित्त मंत्री खड़े होकर कहे मैं लहसुन प्याज और टमाटर भी नहीं खाती हूँ। महंगाई से कितनी लोगों की कमर तोड़ेंगे, इतना गला रेतेंगे लोगों का महंगाई से। जिनको उंगली पकड़ के लोगों ने सिखाया था चलना, वो उंगली काटने पर तुले हुए। तो ये तो हालत है, सब जानते हैं अमित शाह जी और योगी जी के बीच में क्या तलवारें खींची हुई हैं। ये जो जुमले हैं ना, 100 दिन में ये कर देंगे, 125 दिन में ये कर देंगे, 150 दिन में ये कर देंगे, लेकिन जो गुब्बारा भुलाया गया था 56 इंच का, हवा भर भर के रंग कर पुताई करके, उस गुब्बारे की हवा तो जनता ने निकाल दी और वो फुस पटाखा होकर अब चुक गया है। सुना था इस बार मोदी जी कोई 100 दिन का जुमला का कार्यकाल लेकर चल रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 100 दिन में से 14 खत्म हो चुके हैं, 2 हफ्ते हुए एग्जैक्टली इस सरकार को बने हुए, और इस 2 हफ्ते में देश ने जो ट्रेलर देखा है उससे लोग त्राहिमाम है। पेपर लीक के बाद पेपर लीक, परीक्षाओं के बाद परीक्षाएं रद्द, रेल के बाद रेल हादसा, एक के बाद एक हादसा हुआ जा रहा है वहां पर। कश्मीर और जम्मू में आतंकी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। महंगाई ऐसी कि हर चीज का दाम बढ़ता जा रहा है जैसी सरकार बनी है। जिन बैसाखियों पर सरकार निर्भर है वो बवाल मचाए हुए हैं, मांग पर मांग। और आरएसएस तो छोड़िए, बीजेपी का जो अंतरकलह है वो फूट कर सामने आ गया है। तो इन 14 दिनों में क्या हुआ है, थोड़ा विस्तृत जानकारी उसकी समझ लीजिए और उसको परिपेक्ष में डालने की हम कोशिश करेंगे यहां पर। यह सरकार पेपर लीक सरकार है, 70 पेपर लीक किए इन्होंने 7 सालों में, जिससे कि करीब करीब 2 करोड़ अभ्यर्थियों के जीवन पर उसका प्रभाव पड़ा है, उनके परिवारों पर उनका प्रभाव पड़ा है जो कहीं अधिक संख्या है। नीट का एग्जाम एमबीबीएस के लिए होता है इस देश में, 24 लाख बच्चे उस एग्जाम को इस बार लिखे थे। धांधली पता चली, यह भी पता चला पेपर लीक हुआ है, सरकार कह रही है पेपर लीक ही नहीं हुआ है। एक मंत्री कहते हैं पेपर लीक हुआ है, दूसरा मंत्री कहता है पेपर लीक ही नहीं हुआ। धर्मेंद्र प्रधान आज कुछ कहते हैं, कल कुछ और कहेंगे, परसों कुछ और कह देते हैं, और बच्चे जो है वो अनिश्चितकालीन जी रहे हैं। बीजेपी के सीधे सीधे तार जुड़े हुए हैं हरियाणा में, झज्जर के वो स्कूल में जहां पर 6 में से 6 लोगों के पूर्णांक आ रहे थे, ग्रेस मार्क थी, जहां पे धांधली हुई, कोई तफ्तीशी नहीं हो रही, कोई सीबीआई वहां नहीं पहुंच रही है। अच्छा, अभी नीट का ही बवाल मचा हुआ था, तब तक पता चलता है कि भाई यूजीसी नेट का पेपर भी लीक हो गया। अभी उसी से जूझ रहे थे तो सीएसआईआर नेट का पेपर स्थगित कर दिया गया। अभी उसी से उभरने की कोशिश कर रहे थे जो नीट पीजी होता है, एमबीबीएस के बाद की जो डिग्री होती है, जो स्पेशलाइजेशन होता है, वो पेपर 12 घंटे पहले रद्द कर दिया गया। क्या गलती है इन बच्चों की? जी तोड़ मेहनत करते हैं, इनके परिवार इनके साथ मेहनत करते हैं, फीस भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, कोचिंग कराते हैं, गेस्ट हाउस होटल पे खर्चा करते हैं, यात्रा करते हैं, भेड़ बकरी की तरह ठूस कर जाते हैं रेल कोचों में, और जाकर पता चलता है या तो पेपर लीक हो गया या परीक्षा रद्द हो गई। ये तो सरकार चलाने का तरीका है, मतलब इस देश को तमाशा और सर्कस बनाकर रख दिया है। ये वो देश है जिसने लोगों को इस विश्व को बड़े बड़े टेक टाइटंस दिए, जिसकी शिक्षा का लोहा दुनिया मानती है, और आज मखौल बनाकर रख दिया इन लोगों ने। एक पेपर नहीं ठीक से करा पा रहे हैं, वह रुकवा रहे थे पापा, पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। वहां से पीछा छूटा, रेलवे की बात कर लीजिए, रेलवे को तबाह करने में नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। पिछले साल उड़ीसा का वो रेल हादसा याद कीजिए जहां पर 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। क्या सबक सीखा उससे? अब जलपाईगुड़ी में फिर रेल हादसा हो जाता है, वहां पर भी लोगों की मौत हो जाती है। इन इन जानों का कोई मतलब नहीं है क्या? कोई कीमत नहीं है इन लोगों की, ना इनकी जिंदगी की ना इनकी मौत की। कवच समझा रहे थे, कहां था वो कवच भाई? क्यों आपने रेलवे के द्वितीय और अनारक्षित कोच खत्म कर दिए? क्यों हर जगह एसी के कोच लगा दिए? कैसे लोग जा रहे हैं दिख रहा है आपको? चिलमिलाती गर्मी में लोग टॉयलेट में भेड़ बकरी भूसे की तरह भरे हुए हैं। क्या बना दिया आप लोगों ने रेलवे को? परीक्षा लीक और रेलवे छोड़िए, आइए तीसरे मुद्दे पर बात करते हैं, ये आतंक की बात है। कश्मीर और जम्मू में एक के बाद एक आतंकी हमला हो रहा है। जिस जम्मू को शांतिप्रिय माना जाता था वहां पर भी एक के बाद 3 आतंकी हमले हो चुके। पता नहीं अमित शाह जी क्या कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की बस पर हमला हो रहा है, आतंकी मुठभेड़ में हमला हो रहा है, हो क्या रहा है समझ ही में नहीं आ रहा है। 370 की इतनी डींगे हाँकते थे, अरे भाई तो सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, ये कौन समझाएगा? ये अलग बात है कि आपकी हिम्मत और हैसियत नहीं थी कि आप श्रीनगर से, बारामूला से, अनंतनाग रजौरी से चुनाव लड़ दीजिए। फिर दिखावे के लिए मणिपुर की बात करी जाने लगी, मणिपुर पे बोला समीक्षा बैठक हो रही है,
एक साल से ऊपर मणिपुर जल रहा है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के पास ना तो नियत है और ना समय है मणिपुर जाने का। आतंक को छोड़ के चलिए महंगाई पर आते हैं। सरकार बनते ही दूध के दाम हर कंपनी ने बढ़ा दिए, सरकार बनते ही टोल टैक्स के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए, आटा का दाम बढ़ गया। अरे लाल आंखें दिखानी थी चीन को, लाल लाल टमाटर शतक लगवा दिया, 100 के पार करा दिया लाल टमाटर। अब हो सकता है वित्त मंत्री खड़े होकर कहे मैं लहसुन प्याज और टमाटर भी नहीं खाती हूं। महंगाई से कितनी लोगों की कमर तोड़ेंगे, कितना गला रेतेंगे लोगों का महंगाई से। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था चुनाव में, इसीलिए आप नकारे गए, इसीलिए 63 सीट हार रहे हैं, इसीलिए आ गए हैं माइनॉरिटी में। अब लोगों के ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ रहा है। नाच सीखिए लेसन, वो अच्छी बात है हमारे लिए। इन सबको छोड़कर अब बात कर लेते हैं बैसाखियों की। नरेंद्र मोदी जी तो अकेले 400 पार करने वाले थे, 240 पार नहीं कर पाए, तो बैसाखियों पर निर्भर हो गए। और बैसाखियां महाबवाल मचा रही है। टीडीपी डंके की चोट पर कह रही है पेगासस की जांच कराओ, डंके की चोट पर कह रही है हम 4% मुस्लिम आरक्षण देंगे। नरेंद्र मोदी ने इस पर लगातार झूठ बोला था चुनाव प्रचार के दौरान। उधर जदयू कह रहा है अग्निवीर खत्म करो, जदयू यह भी कह रहा है जातीय जनगणना कराओ। एक चू नहीं निकल पा रही है मोदी जी के मुंह से। यह अलग बात है कि बेचारे तुगलकी फरमानों से सरकार चलाने के आदि हैं, तो अब कुछ करी अब समझ ही में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे समन्वय बिठाए। हां जी जी हां में ही समय निकला जा रहा है। आरएसएस आईना पे आईना दिखा रहा है। मोहन भागवत ने कहा कि आपके अहंकार के चलते ये सब हो रहा है। मोहन भागवत का कहना है मणिपुर जल रहा है, आप क्या कर रहे हैं। मोहन भागवत का कहना है विपक्ष आपका दुश्मन नहीं है, उसको साथ लेके चलिए, उनका सम्मान कीजिए। आरएसएस के दूसरे पदाधिकारी कह रहे राम की अवहेलना करी तो राम ने ही आपके अहंकार का इलाज कर दिया, आपको 240 पर सीमित कर दिया। तो आरएसएस और बीजेपी के जो खटास संबंधों में आ गई वो तो खुलकर सामने आ गई, लेकिन खुलकर जो सबसे ज्यादा सामने आया है वो है सिर फुटव्वल भारतीय जनता पार्टी के अंदर। उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। पश्चिम से पूर्वांचल तक बवाल मचा हुआ है। संगीत सोम और बलियान में तलवारें खींची हुई है, चिट्ठीबाजी एक दूसरे के खिलाफ हो रही थी, खूब बयानबाजी हुई, सुरफटाउगल मचा है। वहां सिद्धार्थनगर और अयोध्या में समीक्षा बैठकों में जूतम बाजार हो रहा है। आगे की बात कर लीजिए तो डीएमएसपी भी उसमें हाथापाई में शामिल हो रहे हैं। भगवान ही जाने क्या हो रहा है बीजेपी में। वहां पर शिवराज सिंह का लड़का कह रहा है मेरे पिता सबसे शक्तिशाली है, दिल्ली उनके आगे झुकता है। वसुंधरा राजे कह रही है कि जिनको उंगली पकड़ के लोगों ने सिखाया था चलना, वो उंगली काटने पर तुले हुए हैं। तो ये तो हालत है, सब जानते हैं अमित शाह जी और योगी जी के बीच में क्या तलवारें खींची हुई हैं। तो इस परिपेक्ष में सदन शुरू होने जा रहा है। ये सदन वो सदन है जहां पर विपक्ष की बड़ी मजबूत आवाज होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो जुमले है ना 100 दिन में ये कर देंगे, 125 दिन में ये कर देंगे, 150 दिन में ये कर देंगे, रुपया जो है संभल ही नहीं रहा है, एफडीआई गिरती जा रही है, तो ना निवेश आने को तैयार है ना रुपया सुदृढ़ होने को तैयार है। ये है रिपोर्ट कार्ड पहले 14 दिनों का, ये झलकी है और ये झलकियां देश देख रहा है। कितने देर सरकार चलती है हमें नहीं पता, भविष्यवाणी नहीं करेंगे, लेकिन जो गुब्बारा भुलाया गया था 56 इंच का, हवा भर भर के रंग कर पुताई करके, उस गुब्बारे की हवा तो जनता ने निकाल दी और वो फुस पटाका होकर अब चिचुक गया है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।